सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 की, तो उसमें हम लोग 5 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज 6 चैप्टर हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, उसके बारे में शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव मार्केट्स पढ़ा था, उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे, तो पहले उनको रिकॉल कर लेते हैं। पहला फीचर था कि देयर एग्जिस्ट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड कंज्यूमर्स, यानी फर्म्स और कंज्यूमर्स का अमाउंट कोई लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फर्म्स होंगी तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे तो फर्म्स के पास इंसेंटिव भी ज़्यादा रहेगा प्रोड्यूस करने का। दूसरा हमने देखा था कि एंट्री और एग्जिट फ्री होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट अगर फ्री होंगी तो उसका डिमांड और सप्लाई पे कुछ इम्प्लीकेशंस आएंगे, वो हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा था कि जो वो आउटपुट प्रोड्यूस करें वो इंडिस्टिंग्विशेबल, यानी सेम होने चाहिए, एक ही तरह के आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तभी तो जाके कंपटीशन जनरेट होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एलईडी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सीआरटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो एलईडी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए टीवी बेचने वाले 10 हैं, बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेच रहा है वो तो एक है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मोनोपोली ना बना ले। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए हम एक फीचर मानते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट का कि जो आउटपुट हो उस वो आपका सेम होना चाहिए। चौथा था कि नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए। अब वो कंज्यूमर हो या फर्म हो, उन्हें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फर्म्स को ये क्लियर होना चाहिए कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट किस तरह से उनसे टैक्स वसूल करने वाली है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और कंज्यूमर को भी पता होनी चाहिए कि अगर उन्हें आउटपुट पसंद नहीं आता है तो वो कंज्यूमर फोरम में अप्लाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास होनी चाहिए। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो देखते हैं कि जब ये चार पॉइंट थे, अगर ये चार पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उस तरह की मार्केट कैसी बनेगी। तो जैसे अगर पहला पॉइंट सेटिस्फाई ना करे कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड कंज्यूमर्स ना हो, तो उस तरह की मार्केट को हम क्या कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे, ठीक है। सच अ मार्केट वेयर देयर इज़ वन फर्म एंड मैनी बायर्स इज कॉल्ड मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल गूगल भी एक तरीके की मोनोपोली है, क्योंकि उसके लेवल पे कोई सर्च इंजन नहीं है मार्केट में, उसको कोई टक्कर नहीं दे रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, ये एक तरीके की मोनोपोली मार्केट है। व्हाट्सएप जैसा कोई आपके पास टेक्स्ट करने के लिए ऐप नहीं है, फेसबुक जैसा कोई आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो ये सब कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा मार्केट जहाँ पर मोनोपोली ना हो, मतलब सिंगल ना हो लेकिन दो या तीन हों, यानी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं हो, तो वो क्या बन गया आपका, ओलिगोपॉली, ठीक है। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ ना हो, बस दो ले दे के दो या तीन ही वैरायटीज़ हों। जैसे अगर मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंडिया में सिर्फ टाटा हो और मारुति हो, तो एक तरीके की ओलिगोपॉली है, ठीक है, कि आपके पास दो ही कंपनीज़ हैं, बाकी तीसरी कंपनी नहीं है। हालांकि ओलिगोपॉली में भी अगर आपके पास सिर्फ दो कंपनीज हैं तो उसको हम बोलेंगे डुओपॉली, ठीक है, क्या बोलेंगे, डुओपॉली। ओलिगोपॉली में भी अगर सिर्फ दो फर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे डुओपॉली। ओलिगोपॉली में मोर ग्रेटर देन वन से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं 1000 हो जाएं, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट फिर भी जितनी ज़रूरत है उससे कम ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया ओलिगोपॉली। एक टर्म होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कब होगा, जब पॉइंट नंबर थ्री आपका सेटिस्फाई ना करे, यानी कि फर्म कई सारी हो बट उनका जो आउटपुट है वो सेम ना हो, ठीक है। फर्म्स तो बहुत सारी एग्जिस्ट करती हो बट उनका आउटपुट जो है वो सेम ना हो, तो अगर पॉइंट थ्री सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उस तरह की मार्केट को हम क्या कहेंगे, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब कुछ देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए टर्म्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट डिमांड कर्व इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट डिमांड कर्व क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो मार्केट की डिमांड होती है उसका आप एक तरीके से अगर ग्राफ बनाएं तो उसी को क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। यानी हर इंडिविजुअल की डिमांड होती है, उन सारे इंडिविजुअल्स की अगर डिमांड को हम मिला दें तो एक मार्केट डिमांड बनेगी, और उस मार्केट डिमांड का अगर हम कर्व बना दें तो वो क्या बनेगा, मार्केट डिमांड कर्व। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वही आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। वो कैसे होता है आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन है कि क्वांटिटी परचेज बाय द कंज्यूमर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द प्राइस,
यानी जो आपकी डिमांड है, क्वांटिटी परचेज, क्वांटिटी परचेज मतलब डिमांड, डिमांड जो है आपकी प्राइस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर कम बेचेंगे आप, ठीक है, अगर आप जो आउटपुट है वो घटाएंगे तो आपको प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा ना, कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। जैसे कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए पूरा पढ़ते हैं, मार्केट डिमांड कर्व जो है वो शो करता है कि क्वांटिटीज दैट कंज्यूमर एज ए होल आर विलिंग टू परचेज, फिगर 6.1, ये कुछ फिगर है, ये एक तरीके का मार्केट डिमांड कर्व है। यहाँ पर आपका आउटपुट है, क्वांटिटीज जो कंज्यूमर जो परचेज करना चाहते हैं, और ये उनका प्राइस है। तो जैसे जैसे परचेज करने की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, और तो उनका प्राइस क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। पहले इतनी क्वांटिटी थी तो प्राइस ज़्यादा था, क्वांटिटी बढ़ी तो आपका प्राइस घट गया, यानी आपका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस आपका घट रहा है। यानी मार्केट में अगर ज़्यादा आइटम आ जाएगा, ज़्यादा आइटम आने से आपका प्राइस वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली डिमांड से रिलेट नहीं करेंगे, एक तरीके की जो क्वांटिटी कंज्यूमर एज ए होल आर विलिंग टू परचेज, यानी जो क्वांटिटी, नहीं, एक तरीके से आप डिमांड ही कह सकते हैं इसे, ठीक है, क्वांटिटी दैट द कंज्यूमर एज ए होल आर विलिंग टू परचेज, क्वांटिटी अगर आपने बढ़ाई तो उसका प्राइस घटेगा, इस तरह का ये कुछ डिमांड कर्व आपका कहता है। और मोनोपॉली में क्या होता है, द अबव आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेसेज इट सेल्फ फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन, द मोनोपॉली फर्म्स डिसीजन टू सेल अ लार्जर क्वांटिटी इज पॉसिबल ओनली एट अ लोअर प्राइस। यानी अगर कोई मोनोपॉली है, मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, तो अगर उसको ज़्यादा आइटम बेचना है, ज़्यादा आइटम बेचना है तो उसे प्राइस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए लोग तो फिक्स हैं। अब इसमें एक सर्टेन सेक्शन होगा जो रिच होगा और मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन आपका पुअर होगा, तो अगर आप प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो आप सिर्फ इस सेक्शन को टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक पूरे सेक्शन को कवर करना है, ठीक है, अगर आपको पूरे सेक्शन को कवर करना है तो आपको प्राइस को घटाना पड़ेगा, तभी तो आप एक सेक्शन, पूरे सेक्शन को कवर कर पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है जो मोनोपॉली मार्केट होती हैं तो वो अगर ज़्यादा मार्केट को कवर करना चाहेंगी तो उन्हें प्राइस को घटाना पड़ेगा, बस इतना सा मतलब है। और ये कुछ मार्केट डिमांड कर्व है, ये इससे रिलेटेड इक्वेशन से ज़्यादा काम की नहीं है। अब एवरेज रेवेन्यू हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल निकल आता है, प्राइस के इक्वल, और यही प्राइस आपका एक तरीके से डिमांड कर्व देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व इज़ द एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो वही जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, द एवरेज रेवेन्यू कर्व विल देयरफॉर लाई एग्जैक्टली ऑन द मार्केट डिमांड कर्व, दिस इज एक्सप्रेस बाय द स्टेटमेंट दैट द मार्केट डिमांड कर्व इज़ द एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर द मोनोपॉली फर्म। तो हमने देख लिया कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो एग्जैक्टली मार्केट डिमांड कर्व पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व कुछ ऐसा था, इधर आपका प्राइस था, इधर आपका आउटपुट था, तो इसी पर हमने देखा कि एवरेज रेवेन्यू कर्व भी यही लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से आपका यही एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यही आपका मार्केट डिमांड कर्व है। इसके बाद टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यूज, टोटल रेवेन्यू हम लोग देख चुके हैं, एवरेज रेवेन्यू क्या था, टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा आपका चेंज इन रेवेन्यू अपॉन चेंज इन आउटपुट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू, क्लियर है। अब टोटल रेवेन्यू डज नॉट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप टोटल रेवेन्यू का कर्व देखें, ये रहा आपका कुछ टोटल रेवेन्यू का कर्व, तो टोटल रेवेन्यू पहले तो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है, फिर
फिर एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, फिर घटने लगेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि आउटपुट बढ़ाने के साथ साथ टोटल रेवेन्यू एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है? तो इस पे आप थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा कि टोटल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट एक सर्टेन अमाउंट तक। तो यही चीज़ हमें किससे पता चली? मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व से। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का जो रेट है पहले बढ़ेगा बढ़ेगा फिर धीरे धीरे घट जाएगा, यानी पहले रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ रहा है बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद घटने भी लगेगा, यानी एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो जाएगा। वही कह रहे हैं, टोटल रेवेन्यू डज नॉट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन क्वांटिटी। चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू, यानी जो टोटल रेवेन्यू का चेंज है, यानी जो टोटल रेवेन्यू का स्लोप है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, वो भी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा फिर घटने लगेगा। ग्रेजुअली द वैल्यूज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आर गिवन बाय द स्लोप ऑफ द TR कर्व। यही हम लोग बात कर चुके हैं। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, एंड व्हेन टोटल रेवेन्यू शोज अ फॉल मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। अब देखिए, अब ये हमने पहले कहा कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, स्लोप है टोटल रेवेन्यू का। तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, और टोटल रेवेन्यू अगर घट रहा है इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। ठीक है, ये याद रहेगा? नहीं भी याद रहे तो एक बार ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ये जो पॉइंट हाईलाइटेड है यही आपके पूरे चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब मार्जिनल रेवेन्यू का प्राइस इलास्टिसिटी से क्या लेना देना है? अब ये देखिए, ये जो चीज़ है इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन है, तो वही मैं अब पढ़ के बता देता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी जो है इज़ मोर देन वन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू, यानी प्राइस इलास्टिसिटी वन से बड़ी होगी व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, और प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन वन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव। अब आप खुद सोचिए कि मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, यानी TR कर्व में यहाँ तक तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव आता है, फिर घटने लगता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ तक आपके मार्केट में डिमांड आप फुलफिल कर रहे हैं। अब मान लीजिए मार्केट में 1000 फ़ोन की डिमांड है, ठीक है, आप बना रहे हैं 12000, तो आपके 1000 तो बन जाएंगे लेकिन बाकी के जो 11000 हैं वो शायद ना बिकें, बिकें भी तो बहुत मुश्किल से बिकेंगे। तो आपका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो तो 1000 फ़ोन पे अर्न आएगा, अर्न होगा ना, ठीक है। तो ये 11000 बना के रख ली, यहाँ तो कहीं ना कहीं फिर हमें लॉस होने लगेगा। तो वही कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर प्रोडक्शन जब आपका 1000 था तो आपका रेवेन्यू मैक्सिमम था, फिर आपका रेवेन्यू घटने लगेगा क्योंकि फिर आपके जो बाकी के फ़ोन है वो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो 1000 तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव रहा तो प्राइस के साथ वो रेस्पॉन्सिव भी रहेगा क्योंकि डिमांड आप फुलफ़िल करते रह जा रहे हैं, प्राइस उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा, तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा आएगी। लेकिन जैसे ही आप 1000 क्रॉस कर देंगे फिर जब मार्केट में कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है तो फिर प्राइस फ्लक्चुएट करने का ऐसा कोई सीन तो रहेगा नहीं। ये मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ प्राइस इलास्टिसिटी के साथ। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो एक सवाल मैंने पूछा था कि टोटल रेवेन्यू एक पॉइंट के बाद क्यों घट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जवाब भी मैंने दे दिया है, बट फिर भी आप क्या समझें उसको एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी सी बात है, इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन वन मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज़ पॉजिटिव, इलास्टिसिटी लेस देन वन इसका मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ नेगेटिव, ठीक है। और अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी होती है तो डिमांड कर्व को हम इलास्टिक कहते हैं, और इन इलास्टिक वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी इज़ लेस देन यूनिटी यानी वन, और यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं जब प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन। अब इसके बाद देख लेते हैं, अब एक केस था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म।
इसमें क्या करता है, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय ए मोनोपोली फर्म एंड प्राइस एट विच इट्स सोल्ड, कि कितनी क्वांटिटी मोनोपोली फर्म क्रिएट करे और क्या प्राइस हो जिस पर ये बेची जाए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ऐसी मैं मोटा माटी ऊपर से बता देता हूँ। पहले तो आपका केस है सिंपल केस ऑफ ज़ीरो कॉस्ट। ज़ीरो कॉस्ट का मतलब है मोनोपोली मार्केट में इन्होंने एक केस दिया है कि मान लीजिए गांव में एक कुआं है, ठीक है, और उस कुएं पे वहाँ के एक पर्सन का कंट्रोल है, यानी एक ही पर्सन है वो उस कुएं को कंट्रोल करता है। तो वो बाकी लोग पानी कैसे लेंगे, वो पानी उनको बेचेगा, यानी कह देगा 5 रुपये पर बकेट के हिसाब से आप पानी खरीदो। अब जो पर्सन बेच रहा है उसका तो कोई खर्चा नहीं है ना, कुआं उसको बना बनाया मिला, तो उसने जो कुआं खरीदा उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, ज़ीरो है। तो यानी जो भी प्रॉफिट आएगा वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट है। तो कुछ ऐसा ही केस आपका क्या कहते हैं इनके साथ चलता है मोनोपोली में, क्योंकि मोनोपोली में अगर हम बात करी जाए प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट आपकी ज़ीरो हो जाएगी तो जो भी रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे वो क्या देगा आपका, वो एक तरीके से क्या है, वो आपको प्रॉफिट ही है। तो इस पूरे में आपका इतना ही लेना था। कर्व से इन्होंने क्या समझाया है, कर्व से कुछ नहीं, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है, इस पर ये आपका एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व हमने देखा एक ही होते हैं। तो एक पॉइंट पर रेवेन्यू पॉजिटिव आएगा तो मान लेते हैं वो आउटपुट आपका 10 था। ये अगले के लिए कि मान लीजिए, अगली जो लाइन है कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट कितना है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक तो हो गया आपने टोटल कॉस्ट ज़ीरो कर दिया, एक हो गया अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो टोटल रेवेन्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करिए। टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है, हम ग्राफ देखा, हम ग्राफ पे गए तो हमने देखा आउटपुट जब 10 है, ठीक है, आउटपुट जब आपका 10 है तब रेवेन्यू क्या है, मैक्सिमम है। जब हमने यहाँ देखा इस पॉइंट पर रेवेन्यू मैक्सिमम है तो हमने प्लॉट किया तो देखा 10 आउटपुट पर आ रहा है, और फिर इधर हमने एक जो डिमांड करता, ठीक है, तो 10 आउटपुट पर यहाँ पर क्या होगा, ये प्राइस है डिमांड कर्व के लिए, ये क्वांटिटी है, तो यहाँ 10 के हिसाब से हमने देखा प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये प्राइस सेट करेंगे तब जाके आपका 10 अमाउंट बिकेगा, 10 अमाउंट बिकेगा तो आपका रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम। कुछ इस तरह से केस चलते हैं, यानी पहले तो हमने देखा रेवेन्यू कितने आउटपुट पे मैक्सिमम है, और फिर डिमांड कर्व के हिसाब से देखा उस आउटपुट पे प्राइस कितना होना चाहिए। तो इस हिसाब से मोनोपोलिस्टिक मार्केट डिसाइड करते हैं कि आउटपुट कितना रखें और उस आउटपुट के रिकॉर्डिंग प्राइस कितना रखें, ठीक है। तो इसमें किस किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, टोटल रेवेन्यू कर्व और किसका, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व कह लीजिए या फिर एवरेज रेवेन्यू कर्व कह लीजिए, दोनों का कर्व एक ही तरह का होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। कंपैरिजन विद परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन होता तो क्या होता, परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल ये कर्व है कि ये कर्व आपका है टोटल कॉस्ट का, ये कर्व है टोटल रेवेन्यू का। अब प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो हमें क्या चाहिए, इसका जो डिवीज़न है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ टोटल रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट है, तो ये इनके बीच का ये जो डिफरेंस होगा यही तो प्रॉफिट होगा। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये कहाँ पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर अराउंड मैक्सिमम है, क्योंकि ये आपका टोटल रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पर यानी क्यू नॉट पर आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम। तो हम इस पॉइंट को चूज़ करेंगे। तो इस तरह से भी काम करे जा सकते हैं। अब इसके बाद अगला है, ये था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। मेन जो कोर आइडिया आपको समझाना था वो आप समझ चुके हैं। अब मोनोपोली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके भी कुछ फैक्टर्स रहते हैं। एक तो रहता है कि मोनोपोली होगी तो एक्सप्लॉयटेशन होगा, अगर कोई मोनोपोली की सिचुएशन होगी तो कोई कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो हो सकता है आपको जो गुड्स की क्वालिटी है वो बेटर ना मिले, और मोनोपोली होगी तो वो मार्केट अपने हिसाब से प्राइसेस को सेटल कर सकती है। तो इसमें कंज्यूमर का नुकसान होता है, क्योंकि उनको मान लीजिए 10 रुपये की चीज़ हो सकता है वो उसकी वर्दी ना हो तो 100 रुपये में भी खरीदनी पड़ जाए, ठीक है।
तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। और वहीं लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर मोनोपोली होगी तो एक ही कंपनी होगी, अब एक ही कंपनी होगी तो वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी तो वो अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएगी, तो जब प्रॉफिट उसके बढ़ेंगे तो वो R&D में खर्च ज़्यादा करेगी, R&D में खर्च ज़्यादा करेगी तो जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। और कहीं ना कहीं जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो वो उसका जो शेयर है वो कंज्यूमर को देगी ही देगी कहीं ना कहीं। तो ये दो व्यू पॉइंट्स हैं, आप खुद से सोचिएगा कि आपको क्या लगता है। अब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये हम लोग पहले भी अभी जब शुरू करा था चैप्टर उसमें बिल्कुल शुरू में देखा था कि कंपनी एक होती है बट उसके अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, उस तरह की मार्केट को क्या 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 कहते हैं, कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। देयर इज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बिस्किट प्रोड्यूसिंग फर्म्स। इन्होंने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट का दिया है कि इंडिया में क्या बिस्किट प्रोड्यूसिंग फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बिस्किट की तो कंपनी बहुत ज़्यादा है लेकिन वैरायटी ऑफ बिस्किट जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। मान लीजिए कोई बटर बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई जीरे वाला कर रहा है, कोई खट्टा मीठा, अलग अलग फ्लेवर्स करते हैं ताकि कंज्यूमर जो है उसका अपना एक अलग टेस्ट डेवलप हो जाता है। किसी को चॉकलेट बिस्किट पसंद है, किसी को क्रीम वाले पसंद है, किसी को जीरे वाले पसंद है, किसी को बटर वाले पसंद है, तो सबका अपना अपना अलग टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो लेकिन इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है उसको जैसे मान लीजिए गुड्डे किसी को पसंद है, लेकिन गुड्डे क्या करे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तो कंज्यूमर ऐसा नहीं उस पर डिपेंड रहेगा, कंज्यूमर फिर दूसरे टेस्ट पे भी स्विच कर सकता है। ठीक है, तो कंज्यूमर डेवलप्स अ टेस्ट फॉर ए पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ बिस्किट ओवर टाइम और बिकम्स लॉयल टू ए पार्टिकुलर ब्रांड फॉर सम रीज़न एंड इज़ देयरफॉर नॉट इमीडिएटली विलिंग टू सब्सटीट्यूट फॉर इट सब्सटीट्यूट इट फॉर अनदर बिस्किट। हाउएवर इफ द प्राइस डिफरेंस बिकम्स लार्ज द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू चूज अ बिस्किट ऑफ अनदर ब्रांड। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तो वो दूसरे बिस्किट का ब्रांड भी चूज़ कर लेगा, हो सकता है वो चूज़ करते करते पार्ले जी भी चूज़ कर सकता है। ठीक है, हाउ डू फर्म्स बिहेव इन ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली वही जो पहले बताया, तो मोनोपॉली ना हो के कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स हो। इफ़ द मार्केट ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेलर बट इफ़ द नंबर ऑफ सेलर्स इज फ्यू द मार्केट स्ट्रक्चर इज टर्म ओलिगोपॉली। ठीक है, और अगर मोर देन वन होती तो डुओपॉली कहते हैं। सो इस चैप्टर में आपके पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही था, हालांकि और भी कैलकुलेशंस वगैरह मैथ्स हैं, बट अगर आप कुल मिला के इस चैप्टर का क्रक्स निकालेंगे तो इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर भी एक बार रीडिंग मस्ट होती है चैप्टर की, क्योंकि अगर आपने आपको टीचर का पढ़ाया हुआ तभी तक समझ में आएगा जब पहले आप खुद से एक बार चैप्टर की रीडिंग करेंगे और पढ़ाने के बाद फिर एक बार चैप्टर की रीडिंग करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे तब तक पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो आज हम लोगों ने क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कर दिए, अब इसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पर भी आएंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।